हर हर महादेव। देखिए एक प्रश्न है, वे कह रहे हैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न है कि क्या घर में स्फटिक शिवलिंग के साथ नर्मदेश्वर शिवलिंग भी रख सकते हैं क्या, और कम से कम कितने छोटे या बड़े शिवलिंग को घर में रखना चाहिए, ये भी बात बतला रहे हैं। देखिए देखिए कितने शिवलिंग रखना चाहिए। कहते हैं कि इनका प्रश्न मुख्य रूप से ये है कि हम स्फटिक शिवलिंग के साथ क्या नर्मदेश्वर को रख सकते हैं क्या। देखें कह रहे हैं कि नहीं, दो शिवलिंग नहीं घर में होना चाहिए। अब 5, 11, 3 ये सब रख सकते हैं, पर दो नहीं रखने चाहिए। गृह लिंग द्वयम नार्च्यम। आप और भी समझिएगा कितनी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए और कितनी रखनी चाहिए। देखिए पहले निषेध बतला रहे हैं कि इतने इतने प्रकार के मूर्तियों को, एक जैसी को नहीं रखना चाहिए, एक देवता की इतनी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। गृह लिंग द्वयम नार्च्यम, घर में दो लिंग शिवलिंग नहीं होने चाहिए। गणेश त्रितयम तथा, तीन गणपति की विग्रह इत्यादि मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। शंख द्वयम तथा सूर्यो नार्च्यो शक्ति त्रयम तथा, शंख द्वयम दो शंखों को न रखे, और सूर्य नार्च्य सूर्य को भी दो न रखे, सूर्य भगवान के। शक्ति त्रयम तथा शक्ति को, यानी देवी की भगवती की मूर्तियों को भी तीन को न रखे। द्वे चक्रे, जो चक्र होता है गोमती चक्र इत्यादि भी दो न रखे। द्वे चक्रे द्वारकायास्तु, द्वारका के दो चक्र होते हैं गोमती चक्र इत्यादि, दो को न रखे। शालग्राम शिला द्वयम, शालग्राम शिला दो को न रखे। शालग्राम के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी यह है कि शालग्राम जो है सम संख्या में रखे, विषम संख्या में नहीं रखे, ध्यान देना। शालग्राम को सम संख्या में रखना चाहिए, विषम संख्या में नहीं रखना चाहिए। परंतु विषम संख्या में एक रख सकते हैं, एक को रख सकते हैं, और सम संख्या में दो को नहीं रख सकते। अर्थात शालग्राम एक रखे या फिर चार रखे, 6 या फिर 8, 10, 12 इस तरीके से शालग्राम अपने यहां रखे, और भी सम संख्या में रख सकते हैं, परंतु इनसे भिन्न न रखे। अब कह रहे हैं कि देखिए शेष तेषाम तो पूजने नैव उद्वेगम प्राप्नुयात गृह। अगर वो इस तरीके से पूजन करेगा जो बतलाया गया है, इसका पालन न करके और अपने मनमाने जितने भी विधि निषेधात्मक है उन सबको भी रख लेता है, निषेधात्मक भी रख लेता है, तो लिखा हुआ है उद्वेगम प्राप्नुयात गृह। गृह उद्वेगम प्राप्नुयात, वो गृह उद्वेग को प्राप्त होगा, उसका मन जो है शांत नहीं रहेगा, उसका फल प्राप्त नहीं होगा। कौन? गृही। परंतु मंदिर में मूर्ति इतनी रखी जा सकती हैं, मंदिर में कोई दोष नहीं है, भले कितने भी शिवलिंग रखिए, कितने भी कुछ भी रखिए। वैसे गृहस्थों के लिए किसी एक मूर्ति का या एक विग्रह का पूजन नहीं करना चाहिए, कई देवताओं का पूजन करना चाहिए। लिखा हुआ है एका मूर्ति न संपूज्या गृहिणा श्रेष्ठ मिच्छता, अनेक मूर्ति संपन्न सर्वान कामान वापनयात। किसी एक ने बोलेगा हम तो भाई राम जी के उपासक है, तो राम जी को ही रख लिया अकेले, वो शिव जी के पास एक शिवलिंग रखा है, नहीं ओ उनके साथ में जो है पार्वती जी भी हों, गौरी भी जो राम जी के साथ जो जानकी जी भी हों, हनुमान जी भी हों, कृष्ण भगवान को भी रखे। समय समय पर सबका पूजन करना चाहिए, नवरात्र में भगवती गौरी की आराधना होनी चाहिए है ना, और शिवरात्रि पर भगवान शंकर की भी आराधना, कृष्ण भगवान की भी, जन्माष्टमी पर दीपावली की लक्ष्मी का पूजन, गणपति का पूजन, सूर्य का पूजन, विभिन्न देवताओं का पूजन गृहस्थ को करना चाहिए, तो वो शांति को प्राप्त होता है। पूछ रहे कितने बड़ी विग्रह घर में रख सकते हैं, तो देखिए
कि प्रादेश मात्र अंगुष्ठ परवाग्र से लेकर के अंगूठे का ये अग्रभाग पर्व है, इतने से लेकर के यानी एक इंच से लेकर के और 10 अंगुल तक या 12 अंगुल का भी प्रमाण आया है, इतनी बड़ी मूर्तियों को घर में रखना चाहिए और घर में है पाषाण की मूर्ति को न रखे, धातु की मूर्तियों को रखना चाहिए। पर रत्नों की मूर्ति और शिवलिंग और शालग्राम ये घर में रखे जा सकते हैं गृहस्थों के यहाँ भी। एक बात और है, घर में जो है स्थिर प्रतिष्ठा न करें, चल प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मंदिरों में दोनों ही हो सकती हैं, स्थिर प्रतिष्ठा भी चल प्रतिष्ठा भी। इस तरीके का ये युवा मूर्ति संबंधित ये नियम है, इनका परिपालन गृहस्थों को अवश्य ही करना चाहिए। हर हर महादेव।